हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेप्टी क्लोजिंग में आप सभी का स्वागत है। और जो भी फॉर्म भर रहे हैं, ये जो सहारा पोर्टल वाले, उनको यह दिक्कत आ रही है कि उनका आधार वेरीफाई नहीं हो पा रही है, या ईडर बता दे रही है, या इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आ रही है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो इससे क्या करें। तो इसके सोल्यूशन के लिए आपको बताएँ कि आपको जो भी देख रहे हैं पोर्टल पर, उसके लिए पहले आप अपना आधार का 4 नंबर डालें और अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP सत्यापन करें और OTP दर्ज करें। और OTP दर्ज करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे किस प्रकार मेरा पोर्टल ओपन होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मेरा ये साइड अभी बहुत बिजी चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है इसमें, तो कृपया आराम से ही ये फॉर्म भरें। अगर नहीं भर पा रही है तो थोड़ा सा वेट कर लें। और तो देख सकते हैं आप लोग कि मेरा, देखिए इस प्रकार मेरा एरर हो गया। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको जो क्रोम ब्राउज़र, जो ब्राउज़र से आप लॉगिन कर रहे हैं, इसका हिस्ट्री डिलीट करना है। और हिस्ट्री हटाने के बाद आपको फिर से जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, और क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको फिर से लॉगिन करके ट्राई करना है। अगर इस पर भी आपको नहीं होता है तो आप देखिए हिस्ट्री डिलीट करके आप फिर से लॉगिन करके दिखा रहे हैं। अगर ऐसा में हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो फिर इसके लिए और भी आगे हम बताते हैं क्या करना है इसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं OTP इसमें दर्ज कर लेता हूँ, और OTP दर्ज करने के बाद देख सकते हैं मेरा खुल गया है। और यहाँ पर आपको आधार नंबर, अपना आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद आपको OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। और OTP प्राप्त करने के क्लिक करने के बाद आपको एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो इस प्रकार है, सर्वर आर बिजी प्लीज़ ट्राई अगेन, इस प्रकार आपको शो कर रही है। तो आप ऐसे में आपको क्या करना है, तो ऐसे में आप हड़बड़ाएं नहीं, आपको फिर से क्या करना है, जो क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं उस पर जाएँ और अपना हिस्ट्री पूरा डिलीट कर लें, ऑल टाइम हिस्ट्री डिलीट कर लें। और हिस्ट्री डिलीट करने के बाद आपको पुनः क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और उसी पोर्टल पर जाना है, ये सहारा रिफंड पोर्टल पे ही जाना है। और पोर्टल पे जाने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। तो देख सकते हैं आपको किस प्रकार करना है। तो हम जाते हैं फिर से सहारा रिफंड पोर्टल पे, और इस बार देखते हैं मेरा हो गया या नहीं, आगे बढ़ेगा या नहीं प्रोसेस। तो हम आ गए हैं फिर से हिस्ट्री डिलीट करने के बाद, और मैं आधार नंबर डाल दिए हैं, और आधार नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर और OTP डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो अभी यस ट्रैफिक बहुत चल रहा है, तो इसका लास्ट भी डेट नहीं है, आप हड़बड़ा के फॉर्म नहीं भरे, आराम से भरे। तो देखिए मेरा खुल गया है, और हम आपको 100% बोलेंगे कि आपको जो उपाय बता रहे हैं उससे आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर आपकी वेबसाइट सही रहेगी तो। इस प्रकार करने से आपकी लॉगिन और OTP सत्यापन हो जाएगी, और आगे बढ़ने के बाद आपको तीसरा दावा विवरण पे क्लिक हो जाएगी, और आपका आधार से जो लिंक बैंक होगा वो शो करके आपको दिखा देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।